नमस्कार द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। आज हमने चैप्टर वन में एक लिया है पार्ट जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस का एक टाइप। तो आज का जो हमारा केमिकल रिएक्शन का टाइप है उसका नाम है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पर डीकम्पोजिशन जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि इसके लिए हमें हीट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है या फिर किसी तरह की टेम्परेचर की नीड होती है जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो आज जो हमने लिया है वो लिया है हमने इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या लिया है हमने? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कैसे डीकम्पोजिशन किया जाता है आज हमें ये क्लियर करना है। ओके, तो हमारी वीडियो शुरू होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डीकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है जनरली बच्चों कि करंट का इस्तेमाल करके किसी भी चीज का डीकम्पोजिशन किया जा सकता है। तो जो हमारा आज का पार्ट है वो ये है कि वाटर का डीकम्पोजिशन कैसे किया जाता है। पर ऐसा नहीं है केवल वाटर का डीकम्पोजिशन हो सकता है, हम मेटल्स का भी डीकम्पोजिशन कर सकते हैं जो उसके ओर्स होते हैं उसके अंदर से, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उसके अंदर भी आप डीकम्पोजिशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा आपका जो एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, ठीक है, उसको ढूंढना है, उसे बोलते हैं एनोडाइज। क्या बोलते हैं? एनोडाइज। तो जो एनोडाइज होता है उसके अंदर भी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो सबसे पहले बात आती है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। तो डेफिनेशन बनती है डीकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, बाय द एजेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द डीकम्पोजिशन और द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को अंदर करंट पास करते हैं और करंट पास करने पर उसके जो कंपोनेंट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एक से ज्यादा में टूट जाते हैं, तो इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसे हम एक प्रैक्टिकल समझते हैं। तो यहाँ हमारा एक प्रैक्टिकल है टू स्टडी द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक मग लेना है, उसमें दो होल करने हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा मग है, इसमें आपको दो होल करने हैं, ओके। फिर ये बोलता है इसके अंदर रबर ट्यूब या स्टॉपर जो है फिट कर दीजिए। लीजिए, हमने दो रबर ट्यूब और स्टॉपर फिट कर दिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि ग्रेफाइट की रोड लगानी है, तो इसके अंदर आपने दो ग्रेफाइट की रोड लगा दी। लीजिए, हमने दो ग्रेफाइट की रोड लगा दी, ओके। फिर फिल अप द मग विद वाटर, इसे पानी से भर देना है, इसके अंदर कुछ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हमने कोई भी एसिड इसमें क्यों डाला, वो इसलिए डाला ताकि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टिल वाटर जो होता है उसके अंदर करंट पास नहीं होता, ठीक है, तो उसके अंदर आयंस होने जरूरी है। तो उन आयंस के बढ़ाने के लिए इसमें क्या डाला गया है? एसिड डाला गया। तो एसिड डालने से क्या हुआ? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। क्लियर? अच्छा, फिर इसके अंदर आपने क्या करा, दो ग्लास ट्यूब लगा दी उल्टा करके ग्रेफाइट्स के ऊपर। तो आप देखोगे कि उसके अंदर से जो गैस निकलेगी वो इस ग्लास ट्यूब में फिल हो जाएगी, जिससे हमें बाद में पता लग जाएगा कि ये कौन सी गैस है, ओके। तो द कनेक्ट विद द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द 6 वोल्ट बैग, ठीक है। तो अब हमने इसे क्या करा, इसे 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ओके, 6 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। तो अब होगा क्या, अगर हम इसे 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तब क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो स्विच ऑन द करंट एंड द सम टाइम, आपने स्विच ऑन करना है और कुछ टाइम तक उसे देखना है। तो आप देखोगे उसके अंदर इस तरीके का प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कर रहा है, यार ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक बैटरी है जिससे हमने 6 वोल्ट की बैटरी बोला है, आपने इसे स्विच ऑन करा, करंट पास कर दिया। जैसे ही आपने करंट पास करा तो एक रोड थी एनोड और एक रोड है आपकी कैथोड, ठीक है। तो याद रखना है माइनस को कैथोड बोलते हैं और प्लस को एनोड बोलते हैं, क्लियर। तो जैसे ही आपने इसके अंदर करंट पास करा तो आप देखोगे कि जो भी आपका सोल्यूशन है, या तो कॉपर सल्फेट था इस डायग्राम में, पर जो भी आपका सोल्यूशन है, हम तो वाटर पढ़ रहे हैं, तो जो वाटर का जो होगा क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन हो जाएगा। और वाटर का जैसे ही डीकम्पोजिशन होगा, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये हर मतलब हम बहुत सारे सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि क्या करने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे इसका इस्तेमाल किसके लिए करा है, कॉपर सल्फेट के लिए, ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं वाटर के लिए। तो जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रैक्टिकल ये शो करता है कि जब हम उसके अंदर करंट पास करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होता है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर बबल्स आ जाएंगे कुछ देर बाद, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर क्या आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे। तो आप जो बबल्स देख रहे हो वो किस चीज के बबल है, ठीक है। तो द बबल इज द रिप्लेस द वाटर द ग्रेजुएटेड इन द ट्यूब, तो वो जो बबल्स है जो आपकी उल्टी ट्यूब में भर गए हैं, ठीक है, आर द फिल्ड बाय द रिस्पेक्टिवली द गैस, तो वो एक गैस है। अब ये पता करना है वो गैस कौन सी है। तो इसमें हम सबसे पहले एक प्रैक्टिकल लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि जो कैथोड के ऊपर ट्यूब थी, ठीक है, उसके अंदर जो गैस है हम उसे साबुन के पानी में रिलीज करेंगे। जब हम उसे साबुन के पानी में रिलीज करेंगे तो हम देखेंगे उसमें से पॉप साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉप साउंड। तो जो पॉप साउंड आ रहा है इससे पता लगता है कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, क्लियर। क्योंकि हाइड्रोजन गैस में
जब हम उसे साबुन के पानी में रिलीज करते हैं और उसमें से जो बबल्स आते हैं उस पर जलती हुई मोमबत्ती हम ले जाते हैं तो उसमें से पॉप साउंड की आवाज आती है, जिससे पक्का हो जाता है कि वो गैस कौन सी आपकी हाइड्रोजन है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो दूसरी गैस है वो कौन सी है, तो जो एनोड है याद रखना है, कैथोड पे कौन सी आती है, हाइड्रोजन। यही क्वेश्चन बचते हैं, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन यही बनता है और 5 नंबर का प्रैक्टिकल छाप के जो उसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं उनमें भी यही क्वेश्चन आते हैं। तो कैथोड पे कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन, ठीक है, और एनोड पे कौन सी गैस है आपकी, ऑक्सीजन। लास्ट में पूछूंगा मैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये दोनों गैस निकल गई, अब ऑक्सीजन का प्रैक्टिकल कैसे करोगे, बुक में नहीं दे रखा पर हम बता देते हैं। ऑक्सीजन का प्रैक्टिकल बहुत आसान है, जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे उसके सामने, देखोगे और तेज जलने लगेगी, ठीक है। कैसे पता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही कोई भी चीज बर्न होती है, पता है ना ये बात। तो यानी कि एक जलती हुई मोमबत्ती पे वो जो ग्लास ट्यूब में ऑक्सीजन है, अगर आप उसको उसके ऊपर रिजर्व करके उल्टा करके रख दोगे तो भी वो मोमबत्ती जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। क्लियर? ओके, अब बात आती है कि जो गैस निकली उसका रेशो क्या है। तो आपको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसका रेशो होता है 1 और 2। तो 1 और 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कौन सी गैस ज्यादा वॉल्यूम में है, कौन सी गैस कम वॉल्यूम में है। तो उसके लिए ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कलेक्ट इज द डबल देन ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल होती है। तो आंसर मिल गया, तो यानी 1 में क्या है ऑक्सीजन, 2 में क्या है हाइड्रोजन, समझ आ गई बात। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमेशा डबल होती है। प्रैक्टिकल क्लियर है एकदम, क्वेश्चन पूछ लो है। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए एनोड पर क्या आया था। अगर मैं वाटर का डिकम्पोजिशन करूं तो एनोड पर क्या आया था बताओ, एनोड पे आता है ऑक्सीजन। अच्छा, कैथोड पर क्या आया था, हाइड्रोजन, ठीक है जी। किसका वॉल्यूम ज्यादा था, हाइड्रोजन का वॉल्यूम मोर देन था। क्लियर? रेशो कितना था, 1:2, तो यानी कि हाइड्रोजन कितने रेशो में है, 2 रेशो में, ऑक्सीजन कितने रेशो में है, 1 रेशो में, समझ आ गई बात। कौन सा एसिड इसमें हमने मिलाया ताकि ये आयनिक हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, ताकि इसके अंदर आयंस पास होने लगे। क्लियर हो गई बात एकदम, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें द गौरव त्यागी ब्रिलियंट स्टडी सेंटर।